सुशांत आत्महत्या मामले में लाइमलाइट में आए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले ली है। अब गुप्तेश्वर पांडेय विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। बिहार में चुनाव लड़ने वाले ये पहले अधिकारी होंगे। डीजीपी रहते हुए उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करीबी अधिकारी माना जाता था। अब उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी से ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि गुप्तेश्वर पांडेय 31 जनवरी 2019 में बिहार के डीजीपी बने थे। बतौर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय का कार्यकाल 28 फरवरी 2021 को खत्म होना था, लेकिन इससे पहले ही गुप्तेश्वर पांडेय ने अपने पद से इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। न्यूज़ डेस्क।